जिंद के जाट धर्मशाला में मंगलवार को प्रदेश भर से आए सैकड़ों खाप प्रतिनिधियों ने बैठक कर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में दिलो जान से जुटने का फैसला किया। इसके तहत न केवल आंदोलनरत किसानों के लिए आवश्यक वस्तुओं दूध सब्जी अनाज दवा आदि की आपूर्ति की जाएगी, केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए हरियाणा के प्रत्येक गांव से भारी संख्या में किसान भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यतया विनेन खाप, हिसार की सतरोल खाप, चहल खाप, सोनीपत दहिया खाप, दाडन खाप, माजरा खाप, कंडेला खाप, पंघाल खाप, सहारन खाप, नांदल खाप, डुल खाप, पंचग्रामी खाप, चौगामा खाप, किनाना बारह खाप, नौगामा खाप, जाट महासभा सहित अन्य खापे शामिल हुई। पंचायत है उसमें ये फैसला लिया है कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई दिल्ली गए हुए हैं उन सब के लिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, यहाँ रहकर हम हर प्रकार की सामग्री और हर प्रकार का उनके जो भी चाहे सुरक्षा की बात आई, अगर सरकार ने उनके साथ किसी प्रकार की घटना करी तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हर गांव के अंदर अपने अपने गांव में जाओ, मीटिंग करो और दिल्ली के लिए कूच करो, जैसे भी वहां के नेताओं के आदेश हों, जो किसान यूनियन के नेता हैं जो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं वे उनके निर्देशानुसार वहाँ जाकर उनका सहयोग करो। और यहाँ रहकर यहाँ के जो लोग जो है माहौल तैयार करेंगे कि वे किसी प्रकार की सरकार की हिम्मत ना पड़े, उसके लिए हम जो है यहाँ का माहौल तैयार करेंगे। तो एक तो ये हमारा मैटर, दूसरा हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक कमेटी बनाकर जो लोग सरकार में बैठे हैं किसान वर्ग के लोग हैं उनको ये कहेंगे भाई जो ये सरकार ने अत्याचार की है, एक खट्टर सरकार ने ही अत्याचार की है, बाकी लोग वहाँ पंजाब से भी निकल आए हैं, दिल्ली में भी जान लग रहे हैं, किसी सरकार ने किसी को तंग नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ तंग किया है, तो ऐसे व्यक्ति से अपना जो है समर्थन वापस ले, खट्टर की सरकार को जो है चलता करने का काम करें। हम पूर्ण कोशिश करेंगे, अपने आदमियों के पास जाएंगे, जो किसान के बेटे विधायक बने हुए हैं हम सबको इस प्रकार का जो है प्रेशराइज करेंगे कि आप इस सरकार से समर्थन वापस लें। प्रधान जी आज कितनी खापे आए हैं यहाँ? देखिए खाप आपके सामने सारी बोली गई हैं, कम से कम भी 40 खापे के लोग यहाँ प्रतिनिधि और प्रधान आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं गए हुए हैं अपना दिल्ली, सबसे संपर्क हुआ था, सब ने अपना अपना कहा कि आप हमारी तरफ से इस प्रकार का समर्थन दे देना, क्योंकि हम दिल्ली जा चुके हैं, अगर पहले पता होता, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे था, कल के नोटिस पे था ये, कहते हम रुक भी जाते। वो किसी भी पार्टी में हो हम जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, संपर्क करके कहेंगे फिर भी नहीं मानते तो फिर उनके लिए अगले रणनीति अपनाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उस टाइम अपना जो है जैसे जो हमारा पे होगा लोगों को समझाएंगे भी इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो जैसे उन्होंने साथ नहीं दिया हम उनका साथ नहीं देंगे और उनका विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल, एंट्री भी बैन कर सकते हैं अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, तो लेकिन वो बात की बात है, पहले तो अपने तरीके से उनको समझाएंगे कि भाई आप हमारा साथ दो और हमारे साथ जो है नहीं रहो और अपना समर्थन वापस लो, सरकार को चलता करो। प्रधान जी पांच संगठनों को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, सभी को नहीं बुलाया है, वो भी एक राज्य विशेष के संगठन, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी संगठनों को पांच को बुलाना है, सात को, वहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है, अगर वो कमेटी से बात करनी चाहिए, पांच संगठन सात संगठन दस संगठन नहीं बुलाना चाहिए और ना ही लोगों ने जाना चाहिए। फिर भी मैं तो ये कहूँगा अगर उन लोगों ने किसान यूनियन के लोगों ने अपना कोई संगठन इस प्रकार का बातचीत करने के लिए बना रखा है तो वही बात करें, और हम जो है क्योंकि जो खापों के आदमी हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो इसलिए ज़्यादा इंटरफेरेंस उनकी बातों में नहीं करते क्योंकि आंदोलन उन लोगों ने चलाया है, उनको तो हम सहयोग कर रहे हैं, आंदोलन चलाने वाले वो हैं, इसलिए वो जो भी निर्णय ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ठीक लेंगे निर्णय, ऐसी बात नहीं, अपनी फूट नहीं पड़ने देंगे वो। देखिए गंगा जल को क्यों दूषित करते हो, कभी अगर नियत साफ होती तो भले मानस जब जिस चीज़ को हम ये मानते हो, गंगा जल की नियत तो साफ पता नहीं कितने बातों में थी, वहाँ पिछले इलेक्शन में कितने किसी प्रकार के वादे करे तो वहाँ नियत कहाँ गई, जब पिछले चुनाव में वादे करे वहाँ नियत कहाँ गई, कहाँ गई 15 लाख की नियत, कहाँ गई 2 करोड़ बच्चों को रोजगार की नियत। हम ये नहीं कहते, अगर आपकी नियत साफ है तो आपको लोगों ने पहले विश्वास में लेना चाहिए था कि भी हम ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, बताओ इसके ऊपर आपको कोई आपत्ति हो तो एकदम ठोप देना। इसमें कोई दोरा नहीं है, सारी सरकार ही, ये लोग तो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से पुकार रहा हूँ, और तानाशाही को रोकने के लिए जो आज वर्ग है, जो किसान वर्ग है, यही एक ताकतवर वर्ग है जो इस चीज़ को रोक सकता है, बाकी लोग वो सोचते अगर इसको हमने दबा लिया
तो तानाशाही कोई मुश्किल नहीं है। आप कह रहे हो फूट डालने का प्रयास, क्या संदेश देना चाहेगा किसानों को? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे किसान यूनियन के नेता वो किसी प्रकार के भ्रमण आए, जो उन्होंने कमेटी बना रखी है, जिस प्रकार का भी उनका एजेंडा बना हुआ है उसके अनुसार बात करें, लेकिन फूट ना आपस में पड़ने दें, चाहे दो जाएं, पाँच जाएं, आठ जाएं, दस जाएं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितने लोगों ने जाके बात करनी है, लेकिन आपस में फूट डाल कर ना जाएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।